बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के करहरिया गांव में जमीन विवाद में भूमाफिया ने दंपत्ति पर हमला बोल दिया, जिसमें हरेंद्र प्रसाद दास और उनकी पत्नी रीता देवी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित विवादित जमीन पर बैठे हुए थे, तभी 6 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी आवेदन पत्र नहीं मिला है, मारपीट की घटना घटी है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जमीन का मामला है, जमीन हम लोग का सरकार द्वारा दिया गया, सरकारी बंदोबस्ती दिया गया, इस जमीन को लोग बेचना चाहता है कब्जा करके, 2 एकड़ 95 डिसमिल। मारपीट किया है, जो हमारे गांव का दलाल है वो गुंडा बुला के मारपीट किया है, जो हमारे गांव का ही है, वो लोग का हाँ सबको जानते हैं, उसका नाम है महादेव सिंह, जो लीडर है इसका, उसके हाथ में बंदूक था, हाँ और लोग थे। मारपीट हुआ था इन लोगों को जमीन के मामला को लेकर के रात में, गांव का नाम करहरिया है बालीडीह थाना अंतर्गत। इन लोगों का पता चला है कि जमीन का विवाद इन लोग चल रहा है, 144 और 107 की कार्रवाई की गई है इन लोगों के दोनों के पक्षों के बीच में। वो अभी आवेदन हम लोगों को नहीं मिला है, वो आगे देख रहे हम लोग, जो आवेदन मिलता है उनमें क्या इन लोग देखे हैं इनको वो चीज पता चले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।